हमारा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा। तो ये पहला ही टॉपिक होता है किसी सिलेबस का। अगर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी एग्जाम में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं 2024 में, तो उसका पहला टॉपिक होगा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। और यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की, वो है एक से तीन प्रश्न हमेशा अलग अलग एग्जामों में यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आज हम बोली उपबोली की चर्चा करेंगे कि कौन सी बोलियाँ हैं और कौन सी बोली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कोई भी जो भाषा का नया रूप होता है वो गाँव से शुरू होता है और गांव से चलता है प्यारे दोस्तों वो जिला के लेवल पर, ये आपको ध्यान रखना है। और जिले से वो पहुंचता है राज्य के स्तर पर और राज्य से पहुंचता है वो देश के स्तर पर। यानी कि भाषाओं का जो विकसित रूप आपको मिलेगा वो गांव से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गांव में जो बोली जाती है वो तो प्यारे दोस्तों हम कहते हैं उपबोली। जो गाँव में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, वो उपबोली होती है। हमेशा 2 गांव, 10 गांव, 15 गांव की एक जैसी होगी, बाकी की अलग तरह की वहाँ पे उपबोलियाँ होती हैं। जो जिले के लेवल पे बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हम बोली कहते हैं। उसके बाद में जो राज्य के स्तर पर बोली जाती है वो हम उपभाषा कहते हैं, उपभाषा जिसको विभाषा भी कहा जाता है उपभाषा। और जो देश के स्तर पर बोली जाती है वो कहलाती है हमारी भाषा। कुल मिला के कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उपबोली का जो विकसित रूप है वो क्या कहलाएगा, तो उपबोली का जो विकसित रूप है वो क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। और ये कहाँ बोली जाएगी, किसी भी राज्य के जिले के लेवल पर। उसके बाद बोली का विकसित रूप क्या कहलाएगा, उपभाषा कहलाएगा। ये कहाँ बोली जाएगी, राज्य के स्तर पर। और उपभाषा का विकसित रूप क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। और ये कहाँ बोली जाती है, किसी भी देश में। तो ये कहने का मतलब यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि उपबोली जो होता है उसका बहुत कम क्षेत्रफल होता है, बहुत कम लोगों के द्वारा वो प्रयुक्त होती है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग प्यार दोस्तों राज्य में अनेक उपबोलियाँ पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक प्यार दोस्तों हमारी जाटू और बांगरू, ये 2 उपबोलियाँ हरियाणा के अंदर बोली जाती हैं। एक जाटू है और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी बांगरू। ये जाटू और बांगरू क्या है, ये दोनों के दोनों हमारी उपबोली है। और ये जाटू और बांगरू किसके अंतर्गत आती है, ये जाटू और बांगरू आती है प्यारे दोस्तों जो हमारी हरियाणवी बोली है, हरियाणवी बोली के अंतर्गत ये आती है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणवी बोली किसके अंदर आती है, पश्चिमी हिंदी के अंदर, जो कि उपभाषा है। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी को विकसित करने में किसी ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई, हिंदी को विकसित करने में किसी का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो उपबोली है हमारी वो क्या है, जाटू और बांगरू है, ठीक है। बोली क्या है हमारी, हरियाणवी है। और ये हरियाणवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी से क्योंकि अपभ्रंश अलग अलग एरिया में फैली थी, उन्हीं से हमारी उपभाषाएं विकसित हुई और उपभाषा से फिर किसका विकास हो गया, हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो जाटू बांगरू थी, इसका मतलब हरियाणा के अंतर्गत जो पूरी हरियाणवी बोली जा रही है वो एक तरह की नहीं है, वो जाटू और बांगरू के रूप में अलग अलग है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग बोलियां पाई जाती हैं। हिंदी के अंदर यार दोस्तों 545 टोटल हमारी बोली है। हिंदी के अंदर क्या है, 545 बोलियां हैं। उन 545 बोलियों में से 2 बोली आपकी जाटू और बांगरू कहाँ बोली जा रही है, हरियाणा के अंतर्गत। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बने वो 2 बने। एक तो वो ये पूछेगा भाषा का क्षेत्रीय रूप बताइए क्या कहलाता है, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्रीय या सीमित रूप क्या होता है, बोली। और बोली का क्षेत्रीय रूप क्या होता है, उपबोली। या फिर वो इसको इस रूप में लेगा कि बोली का विकसित रूप क्या होता है, उपबोली का विकसित रूप बोली।
बोली का विकसित रूप उपभाषा और उपभाषा का विकसित रूप भाषा। कई बार क्या करेगा वो ऑप्शन में देगा ही नहीं बोली, आपको कहेगा उपबोली का विकसित रूप बताओ और ऑप्शन में बोली है नहीं और ऑप्शन में डायरेक्ट उपभाषा है, तो फिर उस कंडीशन में जो बीच में आता है वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो उससे नेक्स्ट वाला आपको राइट आंसर मानना है। और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इन तमाम चीज़ों तरीके से। तो हमारे अपभ्रंश के रूप हैं, अपभ्रंश के रूपों से कैसे ये विकसित हुए, अपभ्रंश के रूप, अपभ्रंश के मुख्य रूप से चार रूप से हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। अब भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाएं प्रयोग में लाई जा गई उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये आपको बताएं कि कौन से अपभ्रंश के चार रूप हैं जिनसे हमारी हिंदी विकसित हुई। इनमें से एक हमारा है तोर सैनी अपभ्रंश, है तोर सैनी अपभ्रंश, इसने हिंदी को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई। एक है अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है हमारा मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, और इसके बाद है हमारा फोर्थ नागर ए साची अपभ्रंश। अब इसके अलावा भी हिंदी अपभ्रंश के अनेक रूप थे, लेकिन हिंदी को विकसित करने में इन चार रूपों ने बड़ी भूमिका निभाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो चार रूप थे सोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, नागर और पेशाची, ये भारत में एक बड़े भूभाग पर इन अपभ्रंश के रूप में यहाँ पे हम भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो इस सोरसैनी अपभ्रंश से जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये जो उपभाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी, आखिरकार ये आई कहाँ से, तो ये पश्चिमी हिंदी जो विकसित हुई है ये विकसित हुई है हमारी सोरसैनी अपभ्रंश से। तो ये जो हमारी उपभाषाएं हैं उनकी क्या है, पांच उपभाषा, कितनी है उपभाषा है हमारी पांच, तो इनमें से एक है हमारी यहाँ पश्चिमी हिंदी, क्या है पश्चिमी, ये किससे निकली है, ये सोरसैनी अपभ्रंश से निकली। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, ये ध्यान रखना है पूर्वी हिंदी, पूर्वी मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी, बिहारी। उसके बाद में कुछ लोग मानते हैं, यहाँ पे विद्वानों के मतभेद है भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों, जो मान रहे हैं राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी हमारी नागर और पेशाची से विकसित हुई पहाड़ी हिंदी। लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों का ये कहना है कि ये राजस्थानी हिंदी है ये सोरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित, अर्थात जहाँ से पश्चिमी हिंदी विकसित वहीं से राजस्थानी हिंदी भी विकसित हुई। उसका कारण क्या है, राजस्थानी हिंदी के अंदर कुछ नागर और पेशाची के शब्द मिलते हैं तो कुछ प्यार दोस्तों सोरसैनी से मिलते जुलते मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ जो कि उपभाषा के रूप में, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, नागर पेशाची से हमारी पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। लेकिन इसी पहाड़ी हिंदी के अंदर एक और अपभ्रंश का रूप होता है खस अपभ्रंश,
और वो जितनी भी हमारी है जम्मू एंड कश्मीर में प्रयोग होने वाली भी भाषा जो पहाड़ी क्षेत्रों में है या फिर ये जो पूर्वी क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 85 के जो शब्द होते हैं वो वहाँ से मिलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है भाषा वैज्ञानिकों का जो राजस्थानी हिंदी के अंदर शब्द दिखाई दिए वो नागर और पेशाची से जुलते दिखाई दिए, इसलिए ज़्यादातर लोग समर्थन थे कि राजस्थानी हिंदी का विकास नागर और पेशाची से है। लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि राजस्थानी हिंदी अपने आप में शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। अब वो ऑप्शन में उस कंडीशन में एक ही देगा, अगर जब वो पूछेगा राजस्थानी हिंदी जो कि एक उपभाषा है का विकास किससे हुआ, या तो ऑप्शन में ये देगा या ये देगा, या फिर एक ऑप्शन दे देगा आपको ए और डी दोनों, अर्थात पहला और डी दोनों। तो दोनों ऑप्शन जब वो देगा तो आपको उन्हीं को मानना है, अदरवाइज दो में से जो भी उसने एक दिया है के आधार पर आप इन उपभाषाओं के बारे में बताओगे। तो प्यारे दोस्तों हमारे यहाँ जो हिंदी प्रयोग हो रही है वो आज भी एक तरह की हिंदी नहीं है। राजस्थान के अंदर जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग है, जो हरियाणा में बोली जा रही है वो हिंदी हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं है, जो हिमाचल उत्तराखंड में हिंदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, जो मध्य प्रदेश में है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, जो बिहार में हिंदी है वो झारखंड में अलग है। तो कुल मिला के हिंदी का जो उत्तर भारत के अनेक राज्य है जिसमें हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उनमें भी हिंदी एक तरह से नहीं है, उनमें भी हिंदी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। और वो अलग अलग रूप इस वजह से हैं क्योंकि ये पांच जो हमारी उपभाषाएं हैं ये विकसित हुई है शोर यानी अपभ्रंश से, कोई परदमागधी अपभ्रंश से, कोई मागधी अपभ्रंश से, कोई नागर पेशाची से। तो जब अपभ्रंश जिससे इसका विकास हुआ जब वही एक नहीं थी, भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूभाग पर अलग अलग तरह की बोली जा रही थी, इसकी वजह से हमारे ये हिंदी के रूप भी यार दोस्तों अलग अलग हो गए। अब थोड़े से जाओ आप पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ भारत में सबसे पहले जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी वो भाषा थी हमारी संस्कृत। कौन सी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत कुछ समय के बाद कन्वर्ट किसमें हो गई, संस्कृत कुछ समय के बाद प्यारे दोस्तों कन्वर्ट हो गई पाली भाषा में जो बौद्धों की भाषा थी, और पाली कुछ समय के बाद में कन्वर्ट हो गई प्राकृत भाषा में जो जैनियों की भाषा थी, और प्राकृत कुछ समय के बाद में कन्वर्ट हो गई अपभ्रंश भाषा में, इससे हिंदी का विकास हुआ। और ये अवहट अपभ्रंश कन्वर्ट होके ये किस में बदल गई, अवहट में बदल गई, और अवहट किस में बदल गई, प्राचीन हिंदी में बदल गई। समय के साथ साथ भाषा ने अपना रूप बदला अपने को विकसित करने के क्रम में। प्राचीन हिंदी के बाद में जो हिंदी आई प्यारे दोस्तों वो क्या थी हमारी, वो थी आधुनिक हिंदी जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सफर हिंदी भाषा ने अब तक तय किया है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, और आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं हम आधुनिक हिंदी। और आपके जो बच्चे प्रयोग कर रहे होंगे, आप जब बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, आपकी गर्दन हिलने लगेगी, तो उस समय आप गर्दन हिलते हुए इंग्लिश का प्रयोग कर रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी हम प्रयोग किसका कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी का। अब ये जो संस्कृत भाषा सबसे पहले इस देश में बोली जा रही थी जब इस देश का नाम आर्यावर्त था, सनातन धर्म की जो अपनी आप में भाषा वो वैदिक भाषा जिसको कहते हैं वो क्या थी, संस्कृत। और इसी संस्कृत में तमाम वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत ग्रंथ हमारे लिखे गए। ये संस्कृत भाषा भी एक रूप में नहीं थी, ये भी दो रूप थे, एक थी वैदिक संस्कृत, एक क्या थी, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी हमारी लौकिक संस्कृत। दूसरी संस्कृत कौन सी, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ये जो हमारी वैदिक संस्कृत थी इसके अंतर्गत तमाम जो चीज़ें लिखी गई वो मंत्रों में लिखी गई। वैदिक संस्कृत में क्या थे, मंत्र थे, और लौकिक संस्कृत में क्या थे, श्लोक थे। लौकिक संस्कृत में क्या थे, श्लोक। तो ये श्लोक वाली संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत मंत्रों वाली संस्कृत थी। अब इसके अंतर्गत जो रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में महाभारत आता है,
और सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण माना जाता है। तो रामायण और महाभारत, पहले रामायण लिखी गई उसके बाद में महाभारत। महाभारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ में आता है, केवल भारत का ही ये सबसे बड़ा ग्रंथ नहीं है बल्कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है। और इसकी जो रचना की, इसका जो संकलन किया, संकलन का मतलब होता है तो चीजें इधर उधर इकट्ठी नहीं थी, इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उस एक स्थान पे लाके सुव्यवस्थित तरीके से रखने का काम वेदव्यास ने किया। महाभारत के जो रचयिता है वो वेदव्यास माने जाते हैं। महाभारत के संकलनकर्ता, निर्माणकर्ता का नाम जो है यार दोस्तों वेदव्यास है। और महाभारत भी अपने आप में एक रूप में नहीं था, 3 अलग अलग रूप में था। एक रूप का नाम था जय, दूसरे का नाम था भारत और तीसरे का नाम था महाभारत। तो ये तीनों के मिला के, जय भारत और महाभारत को मिला के, 1,00,000 श्लोक की रचना दुनिया की सबसे बड़ी रचना कहलाती है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, दुनिया का एक पहला ऐतिहासिक और सबसे बड़ा ग्रंथ भी कहलाता है। रामायण धार्मिक और सामाजिक ग्रंथों में आता है। ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, 24,000 श्लोक इसके अंतर्गत है। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर आज हम 400 पेज की कोई बुक लिख दे तो ये लगता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ाएंगे। और पुराने समय में 1,00,000 श्लोक लिखे गए और लोगों ने पढ़े भी। रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है और 24,000 श्लोक का ग्रंथ आदि कवि जिनको माना जाता है वाल्मीकि, और दुनिया का आदि जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है रामायण। आदि ग्रंथ का मतलब क्या, आदि का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, जो सबसे पहले का हो। तो दुनिया की जो पहली रचना है, ठीक है, रचना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो माना जाता है रामायण को काव्य की दृष्टि से। लेकिन सबसे पहला ग्रंथ जो माना जाता है, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद। तो दुनिया की सबसे पहली पुस्तक, दुनिया का सबसे पहले जो है ग्रंथ वो है ऋग्वेद। लेकिन काव्य की दृष्टि से, जो जिसमें काव्य के लक्षणों को सबसे पहले रखा गया, जो भी एक रचना को लिखने का तरीका था इसी तरीके से उस रचना को लिखा गया, तो वो माना जाता है रामायण। अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि कवि बताइए कौन कहलाते हैं, तो राइट आंसर है वाल्मीकि। आदि रचना बताइए कौन सी कहलाती है, आदि ग्रंथ बताइए, तो वहाँ आप ऋग्वेद नहीं लिखोगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन आदि जो ग्रंथ माना जाता है वो क्या है, रामायण। तो ये किस में लिखा गया, लौकिक संस्कृत में। तो ये वही लौकिक संस्कृत है जिससे हिंदी का जन्म हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो इसी से हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का जन्म, हिंदी का जो जन्म हुआ है वो इसी लौकिक संस्कृत से है। अगर अब आपके पास ऑप्शंस आ गए कि हिंदी का जन्म बताइए किससे हुआ है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत से, जब तक ऑप्शन में लौकिक संस्कृत है तो आपका राइट आंसर लौकिक संस्कृत है। हिंदी को जन्म देने वाली जो भाषा थी वो कौन सी है, लौकिक संस्कृत है। और जब ऑप्शन में लौकिक संस्कृत नहीं है तो फिर आपको संस्कृत को हिंदी को जन्म देने वाली भाषा के रूप में करना है। और ये क्वेश्चंस अनेक बार पूछे जा चुके हैं। तो हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, हिंदी का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत अर्थात संस्कृत से। लेकिन हिंदी के विकास करने में तो जहाँ जन्म हो रहा था प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है संस्कृत से हिंदी का, वहीं हिंदी को विकसित करने में, पालने पोषने में जो बड़ी भूमिका निभाई, हिंदी का जो विकास हुआ वो किसमें हुआ, अपभ्रंश भाषा से। अवहट से क्यों नहीं माना गया, क्योंकि अवहट का जो क्षेत्रफल था वो कम था, बहुत बड़े भूभाग पे नहीं था, अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी नहीं जा रही थी। लेकिन इस अपभ्रंश का रूप चूंकि बड़ा था और अधिक लोगों के द्वारा ये प्रयुक्त हो रही थी, इसलिए हिंदी को जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो अपभ्रंश ने किया। आप लोगों का जन्म आपके मम्मी पापा के द्वारा हुआ, लेकिन आपके पालने पोषने में आपकी बड़ी बहन, आपकी भाभी, साथ आपकी बुआ, आपकी ताई और आपकी चाची का भी रोल है। कहने का मतलब ये है, हिंदी की जो बड़ी बहन मानी जाती है वो अपभ्रंश कहलाती है, हिंदी की बुआ अपभ्रंश कहलाती है, हिंदी की चाची अपभ्रंश कहलाती है, हिंदी की ताई अपभ्रंश कहलाती है, लेकिन हिंदी की जो माता है संस्कृत भाषा कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब जन्म की बात आती है, हिंदी का जन्म या हिंदी की जननी, राइट आंसर संस्कृत। लेकिन अगर ऑप्शन में लौकिक संस्कृत है अर्थात श्लोकों वाली जो संस्कृत है, मंत्र और श्लोक में अंतर क्या होता है, मंत्र गायत्री मंत्र है, जैसे ओम भूर भूय स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवः यो ने प्रचोदयात्, ये एक मंत्र है।
लेकिन श्लोक क्या है, तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, ये श्लोक है। तो ये जो श्लोक वाली जो संस्कृत थी उसी से ही हिंदी का जन्म हुआ है। अगर ऑप्शन में लौकिक संस्कृत नहीं है, संस्कृत क्या है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ बारी आती है प्यारे दोस्तों हमारी पाली की। पाली अपने आप में बौद्ध धर्म की भाषा है, जिस तरीके से सनातन धर्म वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत थी, पाली क्या है आपकी बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। बौद्ध धर्म, अभी आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो माना जाता है त्रिपिटक को, किसको माना जाता है त्रिपिटक, ये पाली में ही लिखा गया। किस में लिखा गया, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक में लिखा गया, पाली में लिखा गया। तो वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म का जो यार दोस्तों आविर्भाव हुआ उसका रीजन क्या था, संस्कृत भाषा से पाली भाषा में कन्वर्ट क्यों हो गई, जब लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा प्रयुक्त हो रही है तो फिर पाली कैसे विकसित हुई, उसका रीजन ये था कि जब यहाँ वैदिक संस्कृत का जो समय था, क्योंकि वैदिक धर्म सनातन धर्म की भाषा मानी जाती है संस्कृत, तो उस समय कुछ ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बहुत सारी बुराइयां अपनी रीति रिवाजों में और परंपराओं में वो एडोप कर गए, लेके आ गए। इसकी वजह से जो क्षत्रिय राजा थे वो भी उन्हीं के चुंगल में फंस गए, तो उन्हीं के अनुसार काम करने के लिए, राजा तो बना हुआ क्षत्रिय है कोई भी, ठीक है, लेकिन जो उनके जो गुरुजन थे, उनके जो ब्राह्मण थे, उनके जो पुरोहित थे, ठीक है, वो सब जो कर्मकांड करा रहे थे अपनी मनसा से, कहीं दान दिलवाना है तो अपने हिसाब से दिलवाते थे, किसी को दंड दिलवाना है तो ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से इन राजाओं से दंड दिलवाते थे, क्योंकि ये जो राजा थे उनका आदर करते थे। अब धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रही लंबे समय तक, और फिर आखिरकार एक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, या ये कह लो ना समझदारी उन्होंने दिखाई, और बलि प्रथा शुरू हो गई हवन कराते समय। हालांकि बलि क्या था, एक जो हमारे जो पूर्वज होते हैं या जो पशु पक्षियाँ हमारे दूसरे प्राणी थे जो हम पर डिपेंड थे, प्राणी इंसान पे जो डिपेंड थे, उनके लिए जो खाने की व्यवस्था थी उसको बलि कहा जाता है वेदों के अंतर्गत। लेकिन उस जो खाने की व्यवस्था थी, जैसे हमने अपना खाना बनाया, खाने के साथ साथ जो हमारे आसपास पशु होते हैं, जैसे कुछ पक्षियाँ होते हैं, पशुओं में कुत्ते होते हैं, उनके लिए हम रोटी निकाल लेते हैं, गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकालते हैं, आज भी हमारी परंपरा रही है, वो पुराने वैदिक धर्म से चली आ रही है। पक्षियों के लिए हम निकाल लेते हैं, कभी दाना साबुत दाना दे देते हैं, कभी रोटी के छोटे टुकड़े करके हम कहीं छत पे रख देते हैं या कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पक्षी आके उनको खा ले। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम पर डिपेंड थे और जिनकी वजह से हमें ये खाना नसीब हुआ, उनके लिए जो हम अलग से खाना पकाते थे या अपने खाने में से सबसे पहले उस खाने को निकालते थे, उसको बलि कहा जाता था। ये वैदिक धर्म तक बात सही थी, लेकिन जब लौकिक संस्कृत का प्रचलन था उस समय पंडितों का, और वो पंडित जी ये जरूरी नहीं ब्राह्मण ही हो, जो वेदों को पढ़ लिया उस समय उसी को पंडित कहते थे, जो ज्ञानी होते थे, उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वहाँ पर नर बलि, इसके साथ प्राणियों की बलि, पशुओं की बलि, इनकी बलि स्टार्ट कर दी उस खाने के स्थान पर, उसकी अलग व्याख्या हो गई। इसके साथ साथ दंड व्यवस्था जो रखी उन्होंने अपने अनुकूल रखी, ब्राह्मणों ने कोई अपराध किया है तो उनको दंड जो है सजा कम होती थी, और दूसरा वर्ग अगर उसी अपराध को करता तो उनकी जो सजा थी वो भयंकर थी। इस वजह से यहाँ जो क्षत्रिय राजा थे, महात्मा बुद्ध भी एक थे आप में थे, उन्होंने एक तरह से एक नई लकीर खींची कि जब तक मैं गद्दी पे बैठा हूँ तब तक लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे, कि मैं उसका उपभोग कर रहा हूँ, जो राज्य से टैक्स इकट्ठा होता है उसी से मैं अन्न खा रहा हूँ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा इस राज्य का, इस समाज का, अपने लोगों का त्याग करना पड़ेगा, तब लोग मेरी बातों को सुनेंगे। तो उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, अपना एक अच्छा आइडियोलॉजी अपनाया इन्होंने। इन्होंने अपना घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले गए, वहाँ इन्होंने साधना की, और साधना वो इसलिए जब तक ज्ञान तो इनको पहले भी था, लेकिन इंसान तब तक यकीन नहीं करता जब तक वो घर गृहस्थी के साथ में कुछ भी चीज़ चलाता है। हमारे देश में फिलहाल जो राजनीतिक व्यवस्था है आपने देखा होगा, कुछ सन्यासी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजनीति में आके, साथ जिन्होंने शादी नहीं की है, तमाम नेता पहले भी हुए हैं, ठीक है, जो अब नहीं रहे हैं, उन्होंने भी राजनीति में अच्छा काम किया, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो यानी कि जिनका कोई घरवार नहीं है, जिनकी कोई घर गृहस्थी नहीं है, स्वाभाविक बात है वो अपने लिए तो करेगा नहीं, तो करेगा तो समाज के लिए करेगा, देश के लिए करेगा,
हो सकता है कि उसकी अगर संकीर्ण मानसिकता हो तो किसी एक वर्ग के लिए ज्यादा कर दे, किसी एक वर्ग के लिए कम करे। ऐसा ही पुराने समय में भी था। तो यहाँ महात्मा बुद्ध ने जब राजपाट छोटा जंगल में गए और वहां पे उन्होंने साधना की, फिर वापिस आई, तब जब जब जो महात्मा का बुद्ध ने बोला तो प्यारे दोस्तों लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे, इसने तो गद्दी छोड़ दी। दिल्ली के अंदर एक बार सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो थे तो वो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सपोर्ट से, फिर उन्होंने देखा कि कांग्रेस वाले काम करने नहीं दिया, ये बोले पब्लिक में अपनी छवि को और अच्छा बना लेते हैं, तो उन्होंने गद्दी छोड़ दी, मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं तो जनता की सेवा करने आया हूँ। तो पब्लिक ने लगे हाथ उनको जो है बहुत बड़ा वो मान लिया कि इससे बड़ा आज जन सेवक कोई है नहीं। इलेक्शन हुए बीच में ही, हालांकि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, वो पब्लिक का ही पैसा था जो बार बार इलेक्शन में खर्च हो रहा है। तो दोबारा से जब इलेक्शन हुआ और उन्होंने ऑलरेडी गद्दी छोड़ दी थी और लोगों को ये मैसेज चला गया कि आदमी ईमानदारी से काम करेगा, तो 70 में से 68 जो सीट थी विधानसभा की वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल गई। तो पुराने समय में भी ऐसे ही था, जब महात्मा वो जंगल गए सब कुछ छोड़ छाड़ के और उसके बाद उन्होंने जो बोला हर इंसान ने यकीन किया और उनकी बातों को माना। अब इसके साथ साथ कुछ उस समय के जो लोग थे, कुछ वैदिक धर्म को मानने वाले हो गए तो कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, तो इस तरीके से वैदिक धर्म से सनातन धर्म से एक दूसरा बौद्ध धर्म एक नया विचार आया जो बाद में धर्म के रूप में जिसका प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। अब ये भी लंबा नहीं चला, जो बुराइयां विसंगतियां यहाँ रह गई थी वैदिक धर्म में समय के साथ साथ दूर नहीं की गई, कोई चीज फिर यहाँ आ गई। अब ये भी हीयान और महायान दो भागों में बट गया, तो इनमें भी आपस में झगड़े शुरू हो गए। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, एक हीयान है एक महायान है, तो जब ये दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया ये भी लोगों का मोह भंग हुआ, और जब इनसे लोगों का मोह भंग हुआ तो फिर एक तीसरा विचार आया, और वो जो तीसरा विचार था प्यारे दोस्तों वो था जैन धर्म। तीसरा जो विचार था जो बाद में धर्म के रूप में स्थापित हुआ तो वो था जैन धर्म। तो बहुत सारे लोग कुछ बौद्ध अनुयायी रहे, कुछ जैन रहे और कुछ सनातन धर्म को मानने वाले हो गए। ये वो सारे के सारे जितने जैनी थे बोधी थे सब वैदिक सनातन धर्म से थे, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग यहाँ प्रभावित हुए तो इनके साथ जुड़ गए, कुछ फिर जो है इनसे प्रभावित हो गए जैन धर्म से जुड़ गए। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आया, और ये सारी घटना कौन सी है 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व से पहले क्या था, वैदिक धर्म था पूरे भारत के अंतर्गत, ठीक है, जितना भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र था उस समय, नेपाल उस समय हमारा हिस्सा था, बर्मा उस समय हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश पाकिस्तान उस समय हमारा हिस्सा था। कहने का मतलब ये उस बड़े भूभाग पर वैदिक धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, और जैन धर्म के अंतर्गत प्यारे दोस्तों जो दंतक कथाएं हैं सारी की सारी किस्में लिखी वो प्राकृत में लिखी, सारी दंतक कथाएं किस्में दंतक कथाएं, ये जो दंतक कथाएं थी एक जातक कथाएं थी बौद्ध धर्म में, पशु पक्षियों को पात्र बना के लोगों को समझाने की कोशिश। जैन धर्म के अंतर्गत दंतक कथाओं में भी पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया, अर्थात नायक नायिका की जो भूमिका आजकल आप फिल्मों में देखते हो सीरियलों में देखते हो, तो वो भूमिका किसको दी गई, पशु पक्षियों को, और उन पशु पक्षियों को भगवान का अवतार दिखाया गया ताकि लोगों को समझाने के लिए था ये सब चीज, ठीक है। तो जो दंतक कथाएं हैं वो किसमें लिखी गई, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा कब आई, तो पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, तो प्राकृत में क्या लिखे दंतक कथाएं, तो त्रिपिटक ग्रंथ किस में लिखा गया पाली में लिखा गया, ये रामायण महाभारत किस में लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, वेद किस में लिखे गए चारों ओर संस्कृत में लिखे गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पुराण उपनिषद आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए, स्मृति ग्रंथ किस में लिखे सब संस्कृत में लिखे गए। इसके साथ जैन धर्म में भी आपस में झगड़ा हो गया, स्त्रियों की एंट्री को लेकर झगड़ा हुआ, ये भी दिगंबर और श्वेतंबर धाम से दो भागों में बट गया। दिगंबर वालों ने मना कर दिया कि हम स्त्रियों की एंट्री कराएंगे नहीं धर्म के अंदर, श्वेतांबर वाले माने कि नहीं बिना स्त्रियों से जो है समाज में व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए श्वेतांबर वे कहलाए जो सफेद वस्त्रों को धारण करते थे, में जो है मेल फीमेल दोनों ही धर्म के अनुयायी रहे हैं, लेकिन दिगंबर में केवल आपको ध्यान रखना है जो नंगमुनि जैनी आपको मिलेंगे कि वो केवल और केवल पुरुष मिलेंगे, वहाँ पर कोई भी औरत नहीं है। तो जब ये भी अपने उन तमाम मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दिया तो फिर एक नए प्यार दोस्तों चीजों का आविष्कार भारत में हुआ, और वो थे मठ मठांतर। वो क्या थे, वो थे मठ और मठांतर। तो फिर यहाँ आसाराम बापू राम रहीम का जमाना आ गया, मठ मठांतर उनके पूर्वजों का जमाना आ गया, यानी कि संप्रदाय चले, मठ मठांतर चले, संप्रदाय चले, तो वो ये भारत देव भक्त हो गया, कुछ विष्णु भक्त हो गया,
साउथ वाले बोले कि बहुत कुछ हो चुका है, तो साउथ वालों ने विष्णु को अपना सबसे प्रिय और सबसे बड़ा देवता माना, उत्तर भारतीयों ने सबसे बड़ा देवता भगवान शिव को माना, और उसके बाद बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवी देवताएं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे मठ और मठांतरों में ये तमाम धर्म की शाखाएं विकसित हो। अब अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग चीजों के क्या हैं, अनुयायी। तो कोई राम रहीम को मानने वाला है, तो कोई आसाराम बापू को या उनके पूर्वजों को। तो अलग अलग एरिया में धर्म के भी अनेक रूप अलग अलग तरह से देखे गए। और वो समय क्या था, वो समय था अपभ्रंश भाषा का। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे ये अनुयायी या संप्रदाय थे, ये छोटे छोटे जो पंत थे, छोटे छोटे मठ और मठांतर थे, अपभ्रंश भाषा को पूरे भारत में फैलाया, ठीक है। और इसमें क्या था, सोरसैनी अपभ्रंश, उसके बाद अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, नागर और पेशाची उस समय की थी। और अनेक संप्रदाय चले हमारे यहाँ, आपने देखा होगा जो द्वैतवाद या अद्वैतवाद, वो सब इसी के जमाने की चीज थी, ठीक है। इसके साथ साथ अवहट ज़्यादा बड़े भूभाग पे फैला नहीं था, इसलिए प्यारे दोस्तों ये बहुत सीमित भाग में था, और हिंदी का विकास करने में नाकामयाब रहा, इसलिए हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। ये आपको ध्यान रखना, हिंदी जो पालन पोषण करने वाली भाषा मानी जाती है वो अपभ्रंश है, इसी वजह से अपभ्रंश को हिंदी की बड़ी बहन, हिंदी की बुआ माना जाता है, हिंदी की माता माना जाता है संस्कृत को। उसके बाद प्राचीन हिंदी आई, जब यहाँ मुस्लिमों का शासन था इस देश में, समय यहाँ प्राचीन हिंदी थी, और ये अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी है वो तो प्यारे दोस्तों हम प्राचीन हिंदी कहते हैं, अरबी फारसी, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी, आपको ये ध्यान रखना क्या कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया अरबी फारसी मिश्रित हिंदी को के नाम से जाना जाता है प्राचीन हिंदी, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक हिंदी क्या है, आधुनिक हिंदी प्यारे दोस्तों जिसके अंतर्गत संस्कृतनिष्ठ हिंदी है हमारी, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, ये आपको ध्यान रखना है। में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है, संस्कृतनिष्ठ ये हिंदी मानी जाती है जिसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। हाँ, इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा था, वहीं प्यारे दोस्तों आधुनिक हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसमें क्या था, उर्दू के शब्द थे, किसके इसमें किसके शब्द थे, इसमें तत्सम शब्द थे अर्थात संस्कृत के शब्द थे। और ये इंग्लिश क्या है, 2060 के बाद की जो भाषा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इंग्लिश कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 2000 फिलहाल हमारे यहाँ क्या है, आधुनिक हिंदी है, हम संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इस हिंदी के अंदर हम कौन से प्रयोग करेंगे, इस हिंदी के अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द प्रयोग करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि इन तत्सम शब्दों का स्थान क्या ले लेंगे, अंग्रेजी ले लेगी। तो जहाँ हम 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द प्रयोग कर रहे थे, वहीं प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1600 ईस्वी के आसपास जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उस समय हम संस्कृत का प्रयोग हिंदी में ज़्यादा करते रहे हैं। और 2060 के आसपास जो हम तत्सम संस्कृत के शब्दों की जगह हम अंग्रेजी के शब्दों को दे देंगे, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करेंगे। अभी भी जब हम फोन पे बात करते हैं तो उस समय चाहे हम गांव में बात कर रहे हो या अपने किसी देसी साथी से, उस समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम करने लगे हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं वहाँ अंग्रेजी के शब्दों को हम देवनागरी के लिखते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है समय के साथ साथ भाषाएँ अपने रूप को बदल लेती हैं, इसलिए कहा भी जाता है कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वानी, अर्थात एक कोस 1600 मीटर का होता है, ये आपको ध्यान रखना, लगभग 3.25 किलोमीटर में पानी का टेस्ट बदल जाता है, लेकिन प्यारे दोस्तों लगभग 6 किलोमीटर बाद भाषाएं अपने रूप को बदल लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी, तो वाणी जो बदल रही है इनकी भाषा बदल रही है वो चार कोस पे है। सबसे पहले संस्कृत थी, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से प्राचीन हिंदी आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी से क्या विकसित हो जाएगी, इंग्लिश। और मैंने ये बात कब कर ली कि ये आपको ध्यान, प्रथम शताब्दी से लेके मैं 2060 तक आपको ले गया, और ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है भाषाओं के विकसित होने के क्रम को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बढ़ता क्रम है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवट और प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, और उसके बाद में इंग्लिश। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है,
तो एक क्वेश्चन तो प्यारे दोस्तों आपका ये हुआ, जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का कंटेंट आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है अपभ्रंश के रूप का, तीसरा क्वेश्चन है पांच उपभाषाएं कौन होती है और ये पांच उपभाषाएं अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला है, अपभ्रंश के किस रूप से कौन सी भाषा विकसित हुई। सोर्स यानी अपभ्रंश से हिंदी जो कि उपभाषा है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी, नागर पिशाची से राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, इससे पहले क्वेश्चन ये था, भाषा जब अपने रूप बदलती है उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है सबसे पहले वो गाँव में प्रचलित होता है, गाँव से फिर वो जिले के लेवल पर, जिले से राज्य और राज्य से देश में फैलता है। हमारे देश में जो बोली जा रही है वो बोली जा रही है हिंदी भाषा, लेकिन ये हिंदी भाषा एक दिन में विकसित नहीं हो गई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम कुछ लेंगे। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आप पढ़ते समय इस चीज़ों पर ध्यान दे लो कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ ये ऑलरेडी हो चुका है, ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है आगे आएगा, ठीक है, डूंडानी बोली क्या है, पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, किस भाषा परिवार की भाषा है, बारूपिया, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया या चीनी, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली कौन सी है खड़ी बोली के रूप में, क्या हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस अधिक प्रसिद्ध है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत और संस्कृत, इसके बाद में मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष से प्रकाशित हुई। ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये बहुत हैं लेकिन हमें पहले इस पूरे कंटेंट को समझना है तब इनके हम आंसर देंगे, क्लियर। चलो जी इनको थोड़ा सा और विस्तार से हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हम के आ जाओ। अरे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्या है हमारे देश में जो बोली भाषा क्या है, बाद बात कर अपभ्रंश के रूप अपभ्रंश में एक पहला रूप क्या है हमारा क्या है अर्धमागधी रूप क्या है मागधी है नागर है बाद बारी आएगी हम आएगी अब अपभ्रंश के रूप कितने चार उपभाषा की पांच ये उपभाषाएं किस भाषा और सैनी से कह रहे हैं हम क्या है हमारी पश्चिमी अर्धमागधी से बाद में अर्धमागधी से कह रहे हैं हम बाद मागधी से जो निकली है कह रहे हैं बिहारी हिंदी मागधी से बाद चौधरी क्या राजस्थान बाद पांचवी वो क्या है
पहाड़ी पहाड़ी राजस्थान। अब बात आती है उपभाषा से, बोली की। बोली क्या है जी? से आई है पश्चिमी हिंदी से, तो बोली निकली वो है हमारी खड़ी बोली। ब्रज भाषा है ये भी बोली, बेशक के साथ ब्रज के साथ भाषा सब यूज हुआ हो। उसके बाद कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेलखंड, हरियाणा से पश्चिमी के अंतर्गत इतनी आ गई पांच बोली। ऐसे ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगी? हिंदी के अंतर्गत एक आती है बघेली, दूसरी आती है छत्तीसगढ़ी। पूछे जाएंगे जी ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट, एक से लेके तीन। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। बाद है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत एक होती है हमारी भोजपुरी, एक होती है मगही, तीसरी होती है हमारी मैथिली। उसके बाद राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी एक मारवाड़ी है, मारवाड़ी हिंदी हमारी जयपुरी हिंदी को गाँव में ढूंढानी कहा जाता है। उसके बाद मेवाड़ी, फोर्थ है मेवाती, मेवाती। बाद बात करें पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंदर एक है मायोनी, आपको ध्यान रखना है गढ़वाली। ये 17 प्रमुख बोली हैं जिनका आप इस भारत के खासकर उत्तर भारत में हर क्वेश्चन आपसे पूछ, प्रमुख बोलियां बताइए क्या। पांच आपकी ये हो गई, तीन आठ, आठ और तीन प्यार दोस्तों 11, 11 और चार आपकी हो गई 15 और 15 और 2 17। कई बार ऑप्शन में 18 भी होता है, और उस 18 17 अगर नहीं है और ऑप्शन में 18 है तो फिर आपको एक माननी पड़ती है यहाँ दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिण भारत के राज्य थे, उनके लोग उत्तर भारत में आए और उन्होंने जिस हिंदी का प्रयोग किया वो दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना। जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रमुख बोली कितनी है, ऑप्शन में 17 है तो राइट आंसर 17, अगर ऑप्शन में 17 नहीं है तो फिर राइट आंसर 18। और 18वां कौन सा होगा? फिर आपको पश्चिमी हिंदी की छह माननी पड़ेगी, तो है आपकी दक्षिणी हिंदी। और ये कौन सी है? दक्षिण भारत के जो राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, वहाँ से जो लोग उत्तर भारत में आए नौकरी के लिए, यहीं उन्होंने घर बनाए, यहीं रहे, यहीं शादी की, बच्चे हुए, तो बच्चों के द्वारा जो भाषा हिंदी प्रयोग में लाई गई वो कहलाई दक्षिणी। तो कुल मिला के 17 और 18 की जो कंडीशन आपको क्लियर हो गई, ये क्या थे प्यार दोस्तों? ये देश में आपकी भाषा हिंदी बोली जा रही है, ये हिंदी विकसित हो गया अपभ्रंश के चार रूपों से, एक है सोर्स यानी अर्धमागधी, मागधी, नागर और पेशाची। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे नागर और पेशाची से राजस्थानी पहाड़ी का विकास, मागधी से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। और इसके साथ साथ दूसरी आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है आपकी क्या निकली? पांच बोली निकली। ये कितनी बोली निकली? पांच बोली निकली। यहाँ से कितनी बोली निकली है आपकी? तीन बोली आपकी है पूर्वी हिंदी की,
बोली है आपकी, बोली है आपकी बिहारी हिंदी की, और चार बोली है आपकी राजस्थानी की। चार बोली क्या है आपकी? राजस्थानी की है, और दो बोली आपकी क्या है? दो बोली है आपकी, दो बोली है आपकी पहाड़ी हिंदी। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्गत तीन बोली यहाँ भी थी, यहाँ पे आपकी पांच बोली जाएंगे के पश्चिमी बताइए। एक छठी है, इसकी कंडीशन में बता चुका हूँ। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे उप बोली की। इसके बाद किसकी बात करेंगे हम? उप बोली की बात करेंगे। उप बोली क्या है? यहाँ पे उप बोली का विकसित रूप बोली, बोली का विकसित रूप भाषा, भाषा का विकसित रूप भाषा। कहाँ बोली जा रही है? देश में बोली जा रही है भाषा। ये उप बोली कहाँ बोली जाएगी? ये उप बोली गाँव में बोली जाएगी, और गांव से कहाँ पहुँचेगी? जिले पे। तो ये कहाँ बोली जा रही थी? ये बोली जा रही है गांव में। बोली कहाँ बोली जा रही है? गांव में। ये कहाँ बोली जा रही है? ये जिला के लेवल पे। ये कहाँ बोली जा रही है? ये राज्य में। कहाँ बोली जा रही है? देश। गाँव से जिला, जिला से राज्य, और राज्य से देश में ये चीज़ें हमारी फैलती हैं, अर्थात विकसित। अब हरियाणवी क्या है? ये बोली है, और इसकी जो उपबोली होगी, हरियाणवी की उपबोली कौन कौन सी है? हरियाणवी की उपबोली है एक तो जाटू, दूसरी क्या है? बामरू। वो जो दिल्ली से यूपी से लगता हुआ हरियाणा है, जाटू बोली जाती है, जाटू के द्वारा बोले जाने के कारण इसका नाम जाटू पड़ा। और जो पंजाब और राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा है, उसमें बांगरू बोली जाती है, बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण का नाम बांगरू पड़ा। तो बांगड़ क्षेत्र कौन सा है? जहाँ खेती थोड़ा रेतली है, पहाड़ी है। तो राजस्थान से लगता हुआ जो हरियाणा का हिस्सा है, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। जो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, रोहतक का जो क्षेत्र है, सब जाटू कहलाता है, जो दिल्ली और यूपी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई हुई। क्या पूछेगा आपसे? वो बोली दे के उपभाषा पूछ लेगा, उपभाषा दे के बोली पूछ लेगा, अपभ्रंश के रूप के दे के उपभाषा पूछ लेगा, और उपभाषा दे के आपको अपभ्रंश का रूप पूछेगा। या फिर वो यहाँ से शुरू करेगा कि क्या ये सीक्वेंस सही है? चोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी निकली, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रज भाषा कन्नौजी बुंदेली। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, वो सीक्वेंस गड़बड़ कर देगा, सोर सैनी से पश्चिमी हिंदी निकली, पश्चिमी हिंदी से फिर यहाँ अवधि निकली, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से कई बार वो यहीं से यहाँ तक का सीक्वेंस भी बनाता है। अब इसको समझो क्या है, ये जो खड़ी बोली है, इसका जो केंद्र है वो मेरठ है। तो मेरठ के आसपास के जितने भी जिले हैं, सब में खड़ी बोली बोली जाती है। और भारतीय संविधान ने इसी खड़ी बोली जो मेरठ के आसपास के जिलों में बोली जाती है, तो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है, इसी को ही भाषा का आदर्श रूप अर्थात मानक रूप। तो हिंदी का मानक रूप क्या है? हिंदी का आदर्श रूप क्या है? खड़ी बोली, अर्थात देवनागरी की लिपि में लिखी गई जिस हिंदी को भारतीय संविधान मान्यता दे रहा है, वो खड़ी बोली है। मेरठ के पास गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। मेरठ के पास प्यारे दोस्तों बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, और रामपुर है। इन सब क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज कहते हैं बंजर को, तो बंजर भूमि में बोले जाने के कारण इसका नाम ब्रज पड़ गया। तो जो यमुना नदी उत्तराखंड की तरफ से आती है और दिल्ली से होती हुई मथुरा और आगरा मुरादाबाद तक जाती है, तो कहने का मतलब जो ये जो क्षेत्र है हमारा, मथुरा इसका मूल केंद्र है, मथुरा के पास हाथरस है, साथ आगरा है, फिरोजाबाद है, उस सब क्षेत्र में जो बोली जाती है, अलीगढ़ में के साथ हाथरस में, मथुरा में, आगरा में, फिरोजाबाद में, वो तो सब ब्रजभाषी क्षेत्र। और ये जो ब्रजभाषी क्षेत्र है, ये मुलायम सिंह जो तो बेल्ट है, इटावा है, मैनपुरी है, उससे लगता हुआ जितना भी यूपी का एरिया है, वो सब ब्रज क्षेत्र है। अच्छा, मैनपुरी की बात आती है पीलीभीत है, हरदोई है, बदायूं है, शाहजहानपुर है, उन सब में कन्नौजी बोली जाती है। तो ब्रज क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम ब्रज भाषा पड़ा। मथुरा इसका मूल केंद्र, मथुरा के आसपास जो बोले जाते हैं, क्योंकि जिले भी पूछे जाते हैं, ब्रज भाषा किस जिले में बोली जाती है, ब्रज भाषा किस राज्य में बोली जाती है।
राज्य ब्रज भाषा का कौन सा है? हरियाणा और यूपी, क्योंकि तो इसके साथ जो गुड़गांव लगा हुआ है मथुरा आगरा के पास में, तो फिरोजा ये फरीदाबाद और गुड़गांव है उसमें भी ब्रज भाषा मिलती है, क्योंकि तो ये तो बाद में बने गुड़गांव और भी ये फरीदाबाद है तो बाद में बने, उससे पहले भाषाएं विकसित हो चुकी है। आपके सामने बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं लेकिन वहाँ भाषाएं बहुत सारी विकसित हो चुकी हैं। ये आपको ध्यान रखना, भाषाओं के विकसित होने का जो समय है वो बहुत पहले का है, तो इसीलिए ये राज्य बाद में बने, यानी कि सीमा निर्धारित बाद में हुई, ये बाद में बने, सीमा निर्धारित बाद में हुई। ये ब्रज क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में भी क्षेत्र में जो यूपी से लगता हुआ है ब्रज भाषा बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ है? कन्याकुश ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम जो है कन्नौजी पड़ा, और ये सारा मुलायम सिंह यादव जी का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या है? कन्नौजी है। इसके अंदर पीलीभीत, बदायूं, हरदोई, बांदा ये भी आ जाते हैं, इसके साथ यहाँ पर प्यार दोस्तों मैनपुरी, इटावा, ये सारे के सारे कन्नौजी क्षेत्र के हैं, अर्थात कन्नौजी बोली जाती है। मध्य प्रदेश से लगता हुआ यूपी का जो हिस्सा है जैसे झांसी है तो उसमें चित्रकूट है, वो सारा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो उसमें बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली राजपूतों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम बुंदेली पड़ा। कन्नौज इसका मूल केंद्र है, ठीक है, ये यहाँ का मथुरा इसका मूल केंद्र है। खड़ी बोली का मूल केंद्र जो माना जाता है वो मेरठ माना जाता है। बुंदेलखंड का मूल केंद्र झांसी माना जाता है। तो कुछ बुंदेली यूपी में बोली जाती है तो कुछ मध्य प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि राज्य बाद में बने, भाषाएं पहले विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश से लगता हुए मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेली बोली जाती है। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन उपबोली के रूप में उसके दो रूप मिलेंगे, एक जाटू एक दूसरा बांगरू। दक्षिण भारत से जो लोग उत्तर भारत में आए, यहीं शादी विवाह किया, बच्चे हुए, उसके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने जो हिंदी प्रयोग की वो बोला गया यहाँ पे दक्षिणी हिंदी। इसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी आती है। अवध जो क्षेत्र था जैन धर्म के समय, नौ जनपद थे, उन नौ जनपदों में एक मगध था तो एक अवध भी था, तो अवध क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम अवधी पड़ा। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये अयोध्या है। आपको ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहा गया, लखनऊ है, वो सारा का सारा क्षेत्र क्या है? अवधी है। तो भगवान राम की जन्म और कर्म भूमि जो रही है वो अवध है, और पूरे अवध में बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी पड़ा। बघेली है जो कुछ यूपी में बोली जाती है, जैसे हमीरपुर है जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है बघेली बोली जाती है, मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो सतना डिस्ट्रिक्ट है वो इसका मूल केंद्र माना जाता है बघेली का। तो कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ प्रदेश में जो बोली जा रही है वो क्या? बघेली है, के बॉर्डर पे बोली जा रही है। छत्तीसगढ़ी इसका रायपुर इसका मूल केंद्र है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो बोली जा रही है वो छत्तीसगढ़ी कहलाई। भोजपुरी कुछ यूपी में है और कुछ बिहार में है, तो यानी कि बिहार से लगता हुआ यूपी का हिस्सा, यूपी से लगता हुआ बिहार का हिस्सा वो सब है भोजपुरी क्षेत्र। योगी आदित्यनाथ वाला जो क्षेत्र है वो सारा भोजपुरी क्षेत्र है, चाहे वो आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, सारा क्या है, चाहे यूपी के साथ बनारस है, वो बलिया है, तो बनारस बलिया इसके साथ गोरखपुर है आजमगढ़, यूपी के उस सारे के सारे क्षेत्र में तो बिहार से लगता हुआ है, बिहार के बिल्कुल नजदीक है, पटना के बिल्कुल पास है, उन सब में भोजपुरी बोली जाती है। इसके साथ मगही है, तो मगही कहाँ है? वो बिहार के अंतर्गत जो बीच का हिस्सा है मुजफ्फर, ये जो सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मगही है, जहाँ पे सूफी काव्यधारा का श्री गणेश हुआ, यहाँ से सूफी काव्यधारा का आरंभ माना गया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मगही बोली जाती है हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। मैथिली है, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ जो बिहार का हिस्सा है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, इन जिलों में जो बिहार के जिले जो नेपाल बॉर्डर से लगते हुए उसमें मैथिली बोली जाती है। ये नेपाल के अंदर जो तलहटी वाला क्षेत्र है, पहाड़ी काठमांडू से नीचे जो क्षेत्र है तलहटी वाला क्षेत्र, क्योंकि अपने आप में पहाड़ी है लेकिन मैदानी क्षेत्र से ऊपर है, उसमें भी मैथिली बोली जाती है। तो मैथिली केवल भारत में नहीं है, मैथिली नेपाल में भी है, क्योंकि भारत बिहार के तो मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, उनकी शादी अभी भी नेपाल में होती है, नेपाल वालों की शादी उनमें होती है। ये राज्य ये देश के बंटवारे बाद में हुए, भाषाएं पहले विकसित की थी, और माता सीता जो है इसी मिथांचल की थी, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये राम जी की ससुराल है, और राम जी कहाँ थे? यहाँ अवध में थे, ठीक है, तो इनकी ससुराल कहाँ थी? मिथांचल में थी, नेपाल बॉर्डर पर। इसीलिए जानबूझ के आप जब भी शादी करोगे तो दूर करोगे, नजदीक नहीं करोगे, नजदीक करोगे तो फिर आना जाना ज्यादा लगेगा, तो फिर झगड़े भी ज्यादा होंगे। इसलिए जब शादी होती है दोनों परिवारों के बीच में तो गैप होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर ज्यादा जब मिठास होती है फिर वहाँ कड़वापन भी आना स्वाभाविक है। ये पुराने जो हमारे पूर्वज रहे हैं शादियाँ जो करते थे वो 100 200 300 400 किलोमीटर दूर करते थे,
अब तो एक गली छोड़ के दूसरी गली में शादी हो रही है, इसलिए शादियों में ज़्यादा खुशी नहीं रह गई है। उसका रीज़न यही है, पहले तो खूब होता है कि हम आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ले आएंगे, फिर दूसरा कह रहा है कि हम आपके लिए जो चार शहर अलग बसा देंगे। समस्या यहाँ यही है कि जब आपस में मिलना चिलना होता है तो एक दूसरे परिवार की कमजोरी का पता चलता है, फिर उन कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, फिर स्वार्थ बढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और उसके चलते रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसीलिए भगवान राम से सीखो, अवध में अयोध्या में रहते हुए माता सीता को नेपाल बॉर्डर से ले, इसलिए इतनी दूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी क्या है, चार बोली है, एक है मारवाड़ी, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ राजस्थान का जो हिस्सा है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर है, अजमेर है, तो अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सब में मारवाड़ी बोली जाती है, क्योंकि मारवाड़ों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा। ये वही मारवाड़ी है, चाहे भारत जाओ, भारत से बाहर कहीं भी जितने भी होटल मिलेंगे, ढाबे मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, ज़्यादातर इन मारवाड़ियों को मिलेंगे। तो उस समय वहाँ उस बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती थी, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंतर्गत, और वहीं पर हमारी ज़्यादातर फोर्स थी। पाकिस्तान वाला जो मामला था, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये तो बाद में उठा, पहले जब देश का बंटवारा हुआ तो राजस्थान बॉर्डर पे ही ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो वहाँ हमने फोर्स भेजी, फोर्स भेजी तो खाना भेज नहीं पाए, क्यों, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान था, वहाँ आबादी रहती नहीं थी, तो वहाँ लोकल जो लोग थे मारवाड़ी, उनको जिम्मेदारी दी गई खाना बनाने की, सेना को खाना बनाने का काम इनको दिया गया, सरकार ने इनको सब्सिडी दी, पैसा दिया, और धीरे धीरे इनके घर में हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष खाना बनाने में निपुण हो गया। इसलिए शुरुआत ये खुद करते हैं अपने ठेली से, रेडी से, और बाद फाइव स्टार होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद जयपुरी है, तो जयपुरी क्या है अपने आप में, जो जी दिल्ली से लगता हुआ राजस्थान का हिस्सा है, जैसे अलवर है, कोटा है, बूंदी है, इसके साथ में प्यारे दोस्तों आपका जयपुर है, तो वहाँ जयपुरी बोली जाती है, वो गाँव के अंदर ढूंढांडी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है, जयपुरी का ढूंढानी ही एक दूसरा रूप है, क्या है ढूंढानी, गांव देहात में इसको जयपुरी को ढूंढानी कहा जाता है, जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढानी होता है। मेवाड़ी, ये महाराणा प्रताप वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, झुंझुनू जो क्षेत्र है उसमें मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ में बोले जाने के कारण इसका नाम मेवाड़ी पड़ा। मेवाती, मध्य प्रदेश से लगता हुआ जो हिस्सा है वो मेवात का है, ठीक है, तो आधी मध्य प्रदेश में और आधी राजस्थान बॉर्डर पर, क्योंकि राजस्थान का जो हिस्सा है कुछ प्यार दोस्तों मध्य प्रदेश से भी मिलता है, और उसके अंतर्गत क्या है, क्या बोली जा रही है, मेवाती बोली जा रही है, तो मेवात में बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाती पड़ गया। तो राजस्थान के अंदर चार आए। कुमायूं क्या है, जो हाई हिल एरिया में ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, कुमायूं है, कुमायूं एक डिस्ट्रिक्ट है, कुमायूं में बोली जाने के कारण इसका नाम कुमायूं नहीं पड़ा। तो हाई हिल एरिया, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, कुमायूं नहीं बोली जा रही है, कहाँ बोली जा रही है, नैनीताल के अंदर, कुमायूं के अंदर, रानीखेत के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर। लेकिन जो हरिद्वार वाला और उससे ऊपर का थोड़ा क्षेत्र है, हरिद्वार है, देहरादून है, रुड़की है, उस क्षेत्र में क्या बोली जा रही है, गढ़वाली बोली जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र में दो तरह की बोलियाँ हैं, एक कुमायूं, एक गढ़वाली। तो पठार वाले क्षेत्र पे है, मैदानी क्षेत्र से थोड़ा ऊपर, तो वो गढ़वाली है, जो सबसे ऊपर है। नैनीताल में अगर आप गए, अल्मोड़ा, रानीखेत, वहीं तो कहाँ बसे हैं, बहुत तो अधिक ऊंचाई पर, तो उस क्षेत्र में क्या बोली जा रही है आपकी, कुमायूनी बोली जा रही है। तो ये आपके यहाँ पे प्यार दोस्तों उपबोली, बोली, उपभाषा, और भाषा के संदर्भ में तमाम वो चीज जहाँ से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाद बात करेंगे हम एक और सेक्शन की, क्या है, भाषा परिवार। भारत में दो भाषा परिवार की भाषाएं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना, एक भाषा परिवार भारत में है बहुरूपी भाषा परिवार, बहुरूपी भाषा परिवार के अंदर तो भाषाएं हैं, एक तो आपकी संस्कृत आती है, आपकी क्या आती है, अंग्रेजी आती, अंग्रेजी बाद में नेपाली आती, और भी वो, ये जो भाषाएं हैं ये सब भाषा है, नेपाली भाषा, बाहर रूपी भाषा परिवार की भाषा,
भारत और यूरोप दोनों में बोली जाए वो क्या है? भारोपीय है। जो भारत और यूरोप दोनों में बोली जाए वो क्या कहलाई? वो भारोपीय भाषा प्रकार कहलाई। ये आपको ध्यान, भारोपीय दो शब्द से बना है, भारत और यूरोप में जो बोली जा रही है, यूरोप में अंग्रेजी बोली जा रही है, ये आपको ध्यान। चलो जी, दूसरा जो भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार, द्राविड़ द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं वो तमिल है, तमिल तेलुगु, तीसरी कन्नड़ है, चौथी मलयालम। ये अपने आप में दक्षिण भारत में जो बोली जाती है, दक्षिण भारत के राज्य की भाषा बताती है। और ये क्या है? उत्तर भारत, उत्तर भारत में क्या बोली जा रही है? हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, सब उत्तर भारत में बोली। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये जो तमिल बोली जा रही है तमिलनाडु में, तेलुगु जो बोली जा रही है आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ जो बोली जा रही है कर्नाटक में, मलयालम जो बोली जा रही है केरल। ये सारे के सारे क्या हैं? दक्षिण भारत के राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तो दक्षिण भारत के हैं। अब यही तो समस्या है भारत के अंदर, कह रहे द्रविड़ यहाँ की पहली प्राचीन पुरानी भाषा है, द्रविड़ लोग पहले आए, आर्य लोग बाहर से आए, कुछ कह रहे नहीं आर्य यहीं के, तो आर्यों के द्वारा तो ये अपनाई गई संस्कृत हिंदी ये सब है। जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनके द्वारा द्रविड़ भाषा परिवार क्या लाई, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यों में इन भाषाओं का उपयोग किया। तो मुख्य रूप से पूरे भारत के अंतर्गत दो भाषा परिवारों के अंतर्गत पाई गई। एक भाषा परिवार था भारूपीय भाषा परिवार, उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं उनमें भाषाएं पाई जा रही वो बोली जा रही। दूसरा द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो बोले, उनके राज्यों के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं को हम यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, तरीके से समझ में आ गया है। तो अपने आप में भाषा बोली से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा कम्प्लीट हुआ। और इसी तरीके से फिर आपको ये ध्यान रखना है, एक जो हमारी बिहारी हिंदी है जो कि भाषा है, बिहारी हिंदी क्या है हमारी? बिहारी हिंदी है हमारी उपभाषा।